Hi guys, I am Dr. Sohail Dalal and I welcome you all to our YouTube channel Dr. Dalal's Ayurveda. आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन के बारे में, यानी कि आयुर्वेदिक रसीकरण, जिसे आयुर्वेद में सुवर्ण प्राशन कहा जाता है। आयुर्वेद के जो पेडियाट्रिशियन थे उनका नाम था महर्षि काश्यप, और महर्षि काश्यप ने जो संहिता लिखी है उस संहिता का नाम है काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में 16 संस्कार बताए गए हैं। एक बच्चे को पैदा होने से लेके बड़े होने तक उसको अलग अलग 16 संस्कार किए जाते हैं, और वो जो 16 संस्कार हैं उसमें से एक संस्कार का नाम है सुवर्ण प्राशन संस्कार। सुवर्ण प्राशन में गोल्ड होता है, और ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड जो है ये बेस्ट इम्यून बूस्टर और ब्रेन डेवलपमेंट मेडिसिन है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और दिमाग का विकास करने के लिए सुवर्ण से बेस्ट मेघ्य रसायन ब्रेन टॉनिक कोई भी नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और इसे सुवर्ण प्राशन या सुवर्ण बिंदु प्राशन भी कहा जाता है, और इसे हम आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं। और ये बच्चे के बर्थ से लेके 14 साल की उम्र तक के बच्चों को किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि सुवर्ण प्राशन क्या है। सुवर्ण का मतलब होता है गोल्ड यानी सोना, प्राशन का मतलब होता है टेस्ट करवाना या पिलाना, मतलब सुवर्ण प्राशन करवाना यानी सोने की गोल्ड को पिलाना। सुवर्ण प्राशन के कॉम्पोजिशन में गोल्ड होता है, सुवर्ण होता है जिसको मेडिसिनल स्वरूप में तैयार किया जाता है, उसके साथ साथ ब्राह्मी होती है। ब्राह्मी एक बेस्ट ब्रेन टॉनिक है, एक मेघ्य रसायन औषधि है, उसके साथ साथ वचा होती है, वचा भी एक मेघ्य औषधि है, उसके साथ साथ शंख पुष्पी होती है, ये भी एक मेघ्य रसायन है, और उसके साथ साथ घी और शहद, यानी कि सुवर्ण, ब्राह्मी, वचा, शंख पुष्पी, घी और शहद, ये इसका कॉम्बिनेशन, ये चीजों का कॉम्बिनेशन करके तैयार किया जाता है सुवर्ण प्राशन। और ऐसा माना जाता है कि सुवर्ण प्राशन जो है उसको पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है पालन कराने वाला, पुष्य नक्षत्र के दिनों में उसको आप पिला सकते हैं। लेकिन सुवर्ण प्राशन का बेस्ट बेनिफिट हासिल करने के लिए आप सुवर्ण प्राशन को अपने बच्चों को रोज पिला सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि सुवर्ण प्राशन का क्या डोज होता है और क्या डोज में उसको हमें पिलाना चाहिए। जीरो से लेकर 3 महीने तक, यानी बच्चे को पैदा होने से लेकर 3 महीने की उम्र तक का अगर बच्चा है तो उसको एक ड्रॉप रोज देना है। इसको आप रोज सुबह उठने के साथ ही एक ड्रॉप दे सकते हैं। 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का अगर बच्चा है तो उसको 2 ड्रॉप्स डेली देने हैं, 2 ड्रॉप्स डेली, एक साथ देने हैं 2 ड्रॉप्स। अगर 1 साल से लेकर 3 साल तक की उम्र है तो आपको उसको 3 ड्रॉप्स यानी 3 ड्रॉप्स डेली देना है, तीनों ड्रॉप्स एक साथ दे देने हैं। अगर 3 साल से लेकर 5 साल की तक की उम्र है तो आप उसको 4 ड्रॉप्स यानी 4 ड्रॉप्स डेली दीजिए, एक साथ 4 ड्रॉप्स दे दीजिए सुबह में। और अगर 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं तो उनको रोजाना 5 ड्रॉप्स यानी कि 5 ड्रॉप्स उसको रोज देने हैं, एक साथ सुबह में आप दे सकते हैं। तो ये सुवर्ण प्राशन का जो डोज है वो मैंने आपको बताया। अब आयुर्वेद में काश्यप संहिता में सुवर्ण प्राशन के बारे में क्या कहा गया है वो हम जानते हैं। काश्यप संहिता में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि सुवर्ण प्राशन ही एतत मेघा अग्नि बलवर्धनम, सुवर्ण प्राशन ही एतत मेघा अग्नि बलवर्धनम, अर्थात सुवर्ण प्राशन बुद्धि, पाचन और बल को बढ़ाने वाला होता है। यानी कि जो बच्चा सुवर्ण प्राशन का रेगुलर सेवन करता है उसकी बुद्धि का बेहतरीन विकास होता है, उसका डाइजेशन यानी उसका पाचन बहुत अच्छे से विकसित होता है, और उसका बल यानी कि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से विकसित होती है। आगे देखते हैं, आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम गृहापहम, यानी कि सुवर्ण प्राशन का जो नित्य सेवन करते हैं वो आयुष्य को बढ़ाने वाला है। लंबा आयुष्य चाहते हो तो सुवर्ण प्राशन का रेगुलर सेवन करवाइए। वृष्य है और ग्रह बाधा यानी कि ग्रह की पीड़ा को, ग्रह की बाधा को ये दूर कर देता है और स्वस्थ रखता है। उसके बाद ये कहा जाता है, मासात परम मेघावी क्याधि बीर्णवच गृष्यते, मासात परम मेघावी क्याधि बीर्णवच गृष्यते, यानी कि जिन बच्चों को सुवर्ण प्राशन 1 महीने तक रोजाना दिया जाता है उनकी बुद्धि
तीव्र हो जाती है, वो तीव्र बुद्धि प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। और आगे ऐसा कहा गया है कि षड बिरमा से शूत्र दरह सुवर्ण प्राशनाद भवेत, जिन बच्चों को लगातार 6 महीनों तक सुवर्ण प्राशन करवाया जाता है वो सूत्रधर बन जाते हैं। सूत्रधर का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े श्लोक बड़े बड़े ग्रंथ को अपने मुंह पे याद करके वो रटने लगते हैं, मतलब उनकी बुद्धि इतनी खुल जाती है कि आप उनके सामने कोई भी बुक्स रख दो, कुछ भी रख दो, वो उसको कुछ ही समय में रट लेंगे। तो ये सुवर्ण प्राशन के बेनिफिट्स हैं। और सुवर्ण प्राशन के बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट मेंटल, इट इज बेस्ट फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आपका स्किन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो करता है। जिन बच्चों को सुवर्ण प्राशन दिया जाता है उनका चेहरा और उनकी त्वचा कांतिमान होती है, वो अच्छे से ग्लो करती है, बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। तो ये मैंने आपको आज सुवर्ण प्राशन के बारे में बताया। आशा रखता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सुवर्ण प्राशन क्या है और सुवर्ण प्राशन को किस हिसाब से सेवन करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया। आप सुवर्ण प्राशन अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके उनके पास से भी अवेलेबल करवा सकते हैं, उनके पास से भी प्राप्त कर सकते हैं। सुवर्ण प्राशन मार्केट में बहुत अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं, 50-100 रुपए वाले सुवर्ण प्राशन भी मिलते हैं, लेकिन वो सही सुवर्ण प्राशन नहीं होते हैं। तो सुवर्ण प्राशन अगर आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो कभी भी उसको आप अपने हिसाब से खुद से ना करवाएं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिले, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप अपने बच्चों को सुवर्ण प्राशन करवाइए। फ्रेंड्स, आशा रखता हूं कि आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।